सोलन में गोली चलाकर दहशत फैलाने वाले गैंग का एक साथी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज सोलन में लाया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सोलन के पावर हाउस में दो व्यक्ति ने सोलन के जाने माने व्यापारी के घर के पास तीन बार गोलियां चलाई थी। सीसीटीवी फुटेज में ये वारदात कैद हो गई थी। पुलिस के पास केवल ये वीडियो फुटेज का सुराग था। दोनों आरोपियों को ढूंढना बेहद कठिन था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। सोलन में गोली चलाकर दहशत फैलाने वाले गैंग का एक साथी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज सोलन में लाया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सोलन के पावर हाउस में दो व्यक्तियों ने सोलन के जाने माने व्यापारी के घर के पास तीन बार गोलियां चलाई थी। सीसीटीवी फुटेज में ये वारदात कैद हो गई थी, जिसमें दो आदमी आते दिखाई देते हैं और बाद में एक व्यक्ति गोली चलाते हुए भी दिखता है। बाद में ये दोनों युवक यहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस के पास केवल ये वीडियो फुटेज का सुराग था। दोनों आरोपियों को ढूंढना बेहद कठिन था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि गोली चलाने वालों का साथ देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जहां से रिमांड मांगा जाएगा और इस घटना को उन्होंने कैसे अंजाम दिया और किसके कहने पर दिया, इस बात की जांच की जाएगी। 16 जुलाई को हमें लगभग 10:30 बजे सूचना मिली थी कि यहां पे स्क्रून में किसी व्यक्ति ने राजकुमार मित्तल, जो एक बिजनेसमैन है यहां के, उनके घर के पास जो है सड़क पे गोली चलाई है। इस पे पुलिस ने 336, 34 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए पिछले कल एक व्यक्ति को, जिसका नाम मंजीत है, इसको पाकसमा हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। इसको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है, जहां से इसका फर्दर रिमांड लिया जाएगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।